हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाली हूँ। क्यों नहीं डाली हूँ मैं आपको आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ओला चैनल में वीडियो अब नहीं डाल रही हूँ। मैं नया चैनल खोली हूँ, क्योंकि ओला चैनल मेरा आईडी नहीं था उसमें, इसीलिए मैं उसमें और वीडियो नहीं डाल रही हूँ। ये मैंने अपना आईडी से चैनल खोला है, ईमेल आईडी से, तो अब से मैं इसी में वीडियो डालूँगी। और मेरे चैनल का नाम है अंबिकास लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, अंबिका लाइफ स्टाइल्स में आप लोग का स्वागत है। और आज का ब्लॉग है, मैं जा रही हूँ चिटी भाजी तोड़ने के लिए। और चिटी भाजी क्या होता है मैं वो आप लोग को दिखाऊंगी, और वो कहाँ मिलता है वो भी आप लोग को बताऊंगी, और उसको कैसे पकाया जाता है मैं वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप लोग रही है, मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब तो आप लोग को पता चलेगा चिटी भाजी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं चिटी भाजी तोड़ने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है खेत, और ये खेती में अभी निकला है चिटी भाजी, बहुत हुआ है चारों तरफ, और सब आए हैं तोड़ने के लिए, और मैं भी आई हूँ तोड़ने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है भाजी, इसमें कोई केमिकल कोई सार कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, वो अपने से ही निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कैसे है भाजी। तो ये है हमारा चिटी भाजी, देख सकते हैं आप लोग, खेती में ऐसे होता है, और इसको हम लोग तोड़ के खाते हैं। तभी पका के दिखाऊंगी मैं, चलिए घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भाजी को अच्छे से चुन रही हूँ, जो भाजी है उसको चुन के रखूँगी, और उसके जो जड़ है उसको मैं फेंक दूँगी, और उसके बाद इसको हम लोग पानी में दो तीन बार अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद में इसको हम लोग पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए मैं कैसे चिटी भाजी पकाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग के गांव में चिटी भाजी मिलता है कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं चिटी भाजी के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मिलता है तो आप लोग कैसे पकाते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, मैं अभी बना रही हूँ खाना चढ़ाई हूँ, और खाना हो जाने के बाद में बनाऊंगी साग, तो चिटी भाजी है मैं उसको बनाऊंगी, और आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग, मेरा खाना हो गया है, तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी कढ़ाई चढ़ाती हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है, अब डाल रही हूँ उसमें साग। हम लोग साग को देसी स्टाइल में बनाएंगे, पहले इसको सिझाएंगे, उसके बाद में छौंका लगाएंगे। तो साग को हम लोग ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक ये कम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए कैसे मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये भाजी कैसे कम हो जा रहा है धीरे धीरे करके। अभी कम हो जा रहा धीरे धीरे करके पूरा भाजी। अब हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर, तो देखते रहिए टमाटर डालेंगे। उसके बाद में अभी मैं डाल चुकी हूँ, ये हमारा साग भी सीझ गया है, और टमाटर भी आधा सीझ गया है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें पानी।
अब इसमें हम लोग ढक देंगे ढक्कन और उबलने के लिए अच्छा से देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा हो गया अभी साग, अब इसको हम लोग उतार देंगे और उसके बाद में इसको अब लगाएंगे चौका। अब हम लोग डालेंगे तेल, थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अभी तेल को देंगे गरम होने के लिए। तेल जब गरम हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग डालेंगे उसमें सरसों और लहसुन और मिर्चा और उसके बाद में लगाएंगे छौंका। अभी डालेंगे सरसों, उसके बाद डालेंगे मिर्चा, उसके बाद डालेंगे अभी लहसुन। लहसुन को कूट के डालिएगा तब उसका अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छा से अभी ब्राउन होने के लिए देंगे लहसुन को और उसके बाद में हम इसको डाल देंगे। देखिए ये हो गया हमारा अभी चिट्टी भाजी तैयार। आप लोग इसको भात के साथ में खा सकते हैं और ऐसे भी आप लोग इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा तैयार हो गया चिट्टी भाजी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए, थोड़ा खा के जाइएगा और आप लोग का तरफ कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग को बताइएगा।